नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न, पूरे दिन डीएमएसपी रहे अलर्ट मोड में। डीएमएसपी की सतर्कता ने चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को किया समाप्त। भारत मीडिया संवाददाता ने डीएमएसपी से की वार्ता। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। नगर निकाय का चुनाव के लिए जिले में शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक राजकरण नायर मतदान शुरू होते ही बूथों के दौरे पर निकले और फिर एक एक करके सभी बूथों पर जाकर मतदान प्रक्रिया पर नजर बनाई रखी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सबसे पहले बलिया नगर स्थित सभी बूथों का निरीक्षण किया। उसके बाद बैरिया, सिकंदरपुर, बांसडी, सहतवार, रेवती, चितबड़ा गाँव, मनियर, नगरा और रत्सल कला गए। जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक ने सभी बूथों पर मतदान का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और उनसे बातचीत की। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा संबंधी इंतजाम देखे। जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक की सतर्कता से जनपद में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। साथ ही लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। सिकंदरपुर में भारत मीडिया के संवाददाता ने डीएम व एसपी से चुनाव संबंधित जानकारी ली। उनके द्वारा क्या बताया गया, देखें। जिलाधिकारी महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दोनों लोग यहाँ पे मौजूद हैं पूरी पुलिस टीम के साथ। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि सर, इस समय जो चुनाव की स्थिति है बलिया जिले में, सर किस तरीके से चल रही है? पूरे जनपद में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। हम और पुलिस अधीक्षक साहब सुबह से लगातार प्रवास में हैं। बहुत बूथों में हम लोगों ने निरीक्षण किया है, सभी बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। सर, कुछ घंटों पहले सिकंदरपुर दालून सरकारी आशी जो मतदान स्थल है वहाँ पर कुछ मनमानी की खबर आई थी, लेकिन मौके पर SHO महोदय और क्षेत्राधिकारी महोदय और SDM महोदय ने उस चीज़ को संभाला, पहुँच के वहाँ पे उन चीज़ों को मेंटेन किया। तो सर, उसके बारे में क्या कहेंगे उन लोगों को जो इस तरीके का माहौल खराब करने की कोशिश की? देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि कई स्तर पर हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, कई स्तर पर पुलिस अधिकारी हैं, कई स्तर पर मजिस्ट्रेट हैं। तो कोई थोड़ी भी कोशिश करेगा तो वो पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, मतदान जो लोग अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, अभी चल रहा है, सर उनसे क्या अपील करेंगे? मैं अपने जनपद के सभी मतदाताओं से अपील करूँगा कि आज मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और जरूर मतदान। मतदान के लिए सभी जिलाधिकारी महोदय ने आपको बताया सब जगह मतदान चल रहा है और जितनी भी टीम्स हैं हमारी, मोबाइल टीम्स हैं काफ़ी सारी, जिनमें एडिशनल SP साहब की, सभी CEOs की, हम और DM साहब, सभी की URTs सब लगातार भ्रमणशील रह रहे हैं। सबका एक ही उद्देश्य है, शांतिपूर्ण मतदान को कम्प्लीट करवाया। मैं जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निरीक्षण किया गया। यहाँ पे 13 तारीख को काउंटिंग भी होनी है और उस स्थान का भी निरीक्षण किया गया है जहाँ पे काउंटिंग होनी है। और सिकंदरपुर में बिल्कुल फेयर, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। जैसा कि आपने देखा है कि अभी यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय पूरी अपनी टीम के साथ, पूरे पुलिस प्रशासन फोर्स के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और मतदान पूरी तरीके से फेयर चल रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अब 13 तारीख को ये फैसला होगा कि कहाँ का कौन चेयरमैन बनता है, कहाँ की जनता किसके सर चेयरमैन का ताज रखती है। भारत मीडिया के लिए आशीष।